हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही थी ये आमले की रेसिपी बनाने, रेसिपी के मतलब आमला बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसका मैं बनाऊंगी हलवा, और ये आए थे 2-3 दिन हो गए लगभग, तो देखो कुछ ऐसे हो गए। और इससे पहले मैंने बनाया था हलवा, वो हो गया है खत्म, तो फिर से मुझे बनाना है, तो मैंने सोचा चलो इसकी रेसिपी आपके शेयर करते हैं। और जो इससे पहले बनाया था उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ नहीं शेयर की थी, क्योंकि मैं ब्लॉग ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ ना घर के, और इस तरीके से घर का ब्लॉग यानी कि रेसिपी मैं बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे इस तरीके से रेसिपी वगैरह शूट किए हुए, तो मैंने सोचा चलो आमले का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके शेयर कर देते हैं। और आप लोग कैसे क्या इसको यूज करते हैं, क्योंकि अचार मुझे पसंद नहीं, इसका मुरब्बा मुझे खाना पसंद नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। लोगों को पसंद बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मतलब जो मुझे नहीं पसंद है तो वो मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैं किस तरीके से इसका हलवा बनाती हूँ, और जो ये हलवा बनाती हूँ ना मैं, ये जैसे आप गले में खांसी खराश जैसे नहीं सूखापन हो जाता है आजकल ठंडक में, नाक में अजीब सी वो क्या होता है खुश्की हो जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। छाती में बलगम कफ जो जमा हो जाता है उसके लिए भी ये हलवा बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप थोड़ा सा आधा चम्मच 1 चम्मच आप सुबह सुबह ले लीजिए गुनगुने पानी के साथ, बहुत फायदा करता है। और हाँ, इस हलवे को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि आंवला एक ऐसा फ्रूट होता है ना जिसको आप दूध के साथ बिंदास ले सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। बाकी अगर विटामिन सी के कोई भी आप क्या बोलते हैं विटामिन सी का कोई भी स्रोत अगर आप दूध के साथ लेते हैं ना, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ये जाके हमारे पेट में बहुत ज्यादा रिएक्शन पैदा करते हैं, क्योंकि उसमें होता है खट्टापन। इसमें भी खट्टापन होता है, लेकिन एक ये ऐसा आंवला फल होता है जिसको आप दूध के साथ बिंदास होके बिना किसी सोच विचार के, मतलब बिना सोचे विचारे इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, और इसके क्या क्या बेनिफिट है ये तो आप सबको ही पता होगा, पेट के लिए, आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। और मैं तो ऐसी चीजें यूज करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं जा रही थी आंवले का हलवा बनाने, तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ, किस तरीके से मैं इसको यूज करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसका हलवा बनाते हैं। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ वो आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। वो करूंगी मैं बैक कैमरे से, तो कैमरा घुमा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरी रेसिपी, ठीक है। तो पसंद आएगी तो शेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता चल सके, क्योंकि जो बच्चे आंवला नहीं खाते ना जिसे मैं बनाती हूँ, अब वो बच्चे भी खा लेते हैं। जैसे थोड़ा सा आप खाने के साथ बच्चों को दे दे चटनी जैसा थाली में रख दे, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, पूछते भी नहीं ये है क्या, बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो आप ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है, जैसे मैं बनाती हूँ। चलिए देखते हैं फटाफट। तो आमले का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये आमला मैं मतलब अच्छे से धुल के इनको साफ कर चुकी हूँ। और अगर इनकी क्वांटिटी यानी कि वजन की बात करें, तो ये 300 ग्राम आमला है। आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं या फिर कम बना सकते हैं। तो ये 300 ग्राम आंवला है, तो मैं 300 ग्राम के हिसाब से बनाना बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप आंवले का हलवा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेना है कद्दूकस, और इसको कद्दूकस कर लेंगे, या फिर इसके पीसेस कट करके आप इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे कद्दूकस करके ज़्यादा सही लगता है, तो मैं कद्दूकस करके ही बना लेती हूँ। तो चलिए पहले सारे आंवला को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस कि कैसे क्या करना है और कैसे इसका हलवा बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। और ये लीजिए फटाफट सारे आंवला को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका रस निकाल के अलग कर लेंगे, इसमें बहुत सारा जूस होता है ना, तो जूस निकाल लेंगे, इसको हाथों से इस तरीके से दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लेंगे। और ये देखिए सारा रस निकल गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं कि चलिए दिखाते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो मैंने कढ़ाई पहले ही चढ़ा दी थी गैस पे, क्योंकि मेरी कढ़ाई मोटी तली की, तो उसको गर्म होने में टाइम लगता है। और मैंने इसमें घी या तेल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। सुबह मैंने इसमें थोड़े से पापड़ भुने थे, तो उसी की चिकनाई लगी थी, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना घी डाला है, ना तेल डाला, कुछ भी नहीं। बस इसको आमले को डाल देंगे कढ़ाई में। इसके ऊपर से मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। तो 300 ग्राम आमला थे, उसके हिसाब से मैंने 1 कटोरी चीनी का यूज किया है। और इसमें चीनी डाल के इसको मिलाते जाएंगे और इसको चलाते हुए पका लेंगे, जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट ना होने लगे। और चीनी डालने के बाद इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको चलाते रहेंगे धीमी धीमी आंच पर, और चीनी हमारी जो है हल्की हल्की मेल्ट होने लगेगी। जब चीनी हमारी मेल्ट होने लगेगी और हल्का हल्का सा इसमें से जलाव जैसा दिखने लगेगा,
तब क्या करेंगे, इसको ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे, चला के देख लेंगे अगर हमारे आंवला जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद 2 मिनट के लिए और इसको ढक देंगे। कुल मिला के केवल 4 मिनट इसको ढक के पकाना है, बाकी इसको खुला ही पकाना है। तो चीनी डालने के बाद इसको चलाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और 3 से 4 मिनट में ये देखिए चीनी हमारी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, उसमें से जैसे रस जैसा दिखने लगा, यानी कि जलाव जैसा निकलने लगा है। अब क्या करेंगे, इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। तो पहले 2 मिनट ढक के पकाएंगे, उसके बाद चला के देखेंगे, उसके बाद 2 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे। ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता है, बहुत जल्दी ये हलवा बनकर रेडी हो जाता है। और देखिए 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि हमारी जो चीनी मतलब अच्छे से मेल्ट हुई नहीं मेल्ट हुई है। तो इसको एक बार चला देंगे अच्छे से, ये देखिए कितनी मतलब बढ़िया से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसमें से बहुत मतलब अच्छे से जलाव निकल रहा है। और पानी का अभी हमने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, पानी का यूज़ करेंगे लेकिन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आप बने रहिएगा वीडियो में, पूरी रेसिपी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार और ढक देते हैं बस 2 मिनट के लिए, ताकि बिल्कुल जो भी चीनी के थोड़े बहुत कण बचे ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और ये लीजिए 2 मिनट के बाद अच्छे से चीनी हमारी मेल्ट हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें चीनी के हल्के फुल्के दाने रह जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे। अगर चम्मच की बात करें तो इसमें 2 या 2.5 चम्मच पानी डालेंगे, इस तरीके से हाथों पे ले लेंगे, बस छींटे लगाना है, पानी डालना नहीं है, छींटे लगाने हैं पानी के। और बस इसको चला देंगे, बस 2 से 3 मिनट इसको और चलाते हुए पका लेंगे, यानी कि जो हमने पानी डाला है ना वो सूख जाए, और जो चीनी के दाने हल्के फुल्के रह जाते हैं ना वो भी मेल्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। और बस ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए चलाते हुए, बढ़िया से हमारे दाने बिल्कुल भी इसमें दाने दाने नहीं लग रहे हैं, एकदम से इक्वल हो गया है आंवला और चीनी। अब क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे अलग बर्तन में, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको चटनी के साथ मतलब चटनी की तरह खा सकते हैं, खाने में खाने की थाली में थोड़ा सा रख लीजिए, आप 1 चम्मच आधा चम्मच मेहमानों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा करता है खांसी में, जुकाम में, जकड़न में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आप लोग आंवला किस तरीके से खाते हैं, क्योंकि इस समय ना आंवला ताज़े ताज़े आ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बना के स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ी चीज़ बनाओ तो ज़्यादा अच्छी भी बनती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, फिर आंवला मंगा लो फिर बना लो, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये लीजिए हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए आंवले का हलवा बनकर हो गया है रेडी, और देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये वाला हलवा, मैं खा लेती हूँ, खाने के साथ भी खा लेती हूँ, जैसे खाना लेके गई थाली में थोड़ा सा रख लेती हूँ 1/2 चम्मच और खा लेती हूँ, और बच्चे अगर होते ना तो ये 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन अभी तो मैं और गुप्ता जी खाएंगे तो ये लगभग 5 या 6 दिन चल जाएगा। ठीक है, और बच्चे ना इसको बहुत पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, और मुझे तो है ही पसंद, मन कर रहा है अभी चम्मच उठा के खा लूं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है अभी, चलिए मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, तुम्हें पानी आ रहा है, आपको भी दिखाते हैं कि खा के, ये लीजिए आप लोग खा लीजिए, पहले टेस्ट करिए बहुत टेस्टी लगता है ये, खाने के साथ खाएं आप, सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं गर्म पानी के साथ, यानी गुरुने पानी के साथ मैंने बताया था ना आपको, ये लीजिए खा के देखिए थोड़ा सा, गर्म है इसमें, जो खट्टा मीठा स्वाद आता है ना बहुत टेस्टी लगता है बहुत ज्यादा, आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा ये वाला हलवा, मजा आता है खाने में, मन करता है बार बार किचन में आए थोड़ा सा निकाल के ले जाए खाए, तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपका आपको आंवले का मुरब्बा अचार नहीं चलता तो आप इस तरीके से हलवा बना के खा सकते हैं, मुझे मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करते हैं। और जिसका पानी निकला वो मैं फेंकूंगी नहीं, इसका जो पानी निकला ढेर सारा, ये देखिए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको या तो नमक डाल के ऐसे पी लें, या फिर ऐसे ही पी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के पी सकते हैं जूस की तरह, और नहीं तो आप इसको बालों में भी लगा सकते हैं, जैसे मन चाहे। वैसे तो मैं तो इसको पी लूंगी, लेकिन अभी नहीं पीऊंगी, सुबह में पी लूंगी इसको, क्योंकि आंवले का जूस ना खाली पेट पीने से बहुत ज्यादा फायदा करता है, पेट भी साफ करता है, पेट को ठंडक देता है, और बालों के लिए तो है ये अमृत। तो चाहे जैसे आप आंवला को ना चाहे जैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी बना के खा सकें, एंजॉय कर सकें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।